अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम ऑन द चैनल ऑफ स्टॉकिस 91। हम आपके लिए लेकर आए एक नई वीडियो, और इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की जो इंडेक्स की परफॉर्मेंस है उसके बारे में, जो कि मार्केट की परफॉर्मेंस 2 अगस्त पे रही है। मार्केट ने जो इतने ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं वो, तो उन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मार्केट के टेक्निकल लेवल्स को जो है वो देखेंगे कि मार्केट के टेक्निकल लेवल्स कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे मार्केट हमें लगती है क्या हो सकता है, पॉसिबल सिनेरियोज क्या बनते हैं, तो उन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट का जो इंडेक्स है वो 47,453.25 के लेवल तक जो है वो जा पहुंचा है। और अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर जो इंटरडे बेसिस पे एनालिसिस थी उसके अंदर ये चीज को प्रिसाइसली मेंशन किया गया था कि आर्ली चार्ट के ऊपर जो है वो मार्केट के अंदर रीबाउंड नजर आ रहा है कि मार्केट 500-600 पॉइंट्स का एडिशन जो है वो दे सकती है बेस्ड ऑन द प्रीवियस परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट। तो उन सब चीजों को देखते हुए वो प्रिसाइसली बेसिस पे बताया गया था, तो होपफुली कि आप लोगों ने उससे बेनिफिट उठाया होगा। अभी मार्केट ने जो पॉइंट्स ऐड किए हैं 2 अगस्त को, वो फर्स्ट डे था मार्केट का अगस्त के मंथ का, तो उसके अंदर मार्केट ने तकरीबन 400 पॉइंट्स ऐड किए हैं। अगर लो की बात करें तो लो जो है वो 47,047 जो मार्केट ने टच किया, लेकिन मार्केट ने अपना हाई बनाया 47,508 का। मार्केट के अंदर एक बहुत ही कंसिस्टेंट रैली बनी है, और ये रैली जो है मार्केट के अंदर तकरीबन 1:30 बजे के बाद से बनना स्टार्ट हुई है। उससे पहले तक मार्केट के अंदर ये काफी ज्यादा डल साइड के ऊपर थी, और चांसेस यही बन रहे थे कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी लेकिन मार्केट करेक्शन पे चली जाएगी। लेकिन ऑल ऑफ सडन एक न्यूज आती है, और न्यूज जो थी वो रिलेटेड टू इन्फ्लेशन के नंबर्स थे कि मार्केट के अंदर, और उन इन्फ्लेशन के नंबर्स जो है वो काफी पॉजिटिव साइड के ऊपर आए हैं, उसके ऊपर भी अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले देखें कि मार्केट के अंदर आज जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं वो किन स्टॉक्स ने जो है मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं। तो KC 100 इंडेक्स को देखते हैं, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पॉइंट्स एडिशन बाय मोस्टली कंपनीज कौन थी। तो TRG है एक, तो सब जिसने 31.85 पॉइंट्स एडिशन किया है। EPCL, MCB, HUBC सिस्टम, MEVL, PPL, SIRL, ये वो टॉप कंपनीज है जिन्होंने पॉइंट्स ऐड किए हैं इंडेक्स में, और ये कुछ कंपनीज है जिन्होंने पॉइंट्स जो है वो इरोड किए हैं मार्केट से, जिसमें से दाऊद, हरकुलिस, लकी सीमेंट, पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड, AGP, बैंक अल्फला, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये वो कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने जो है वो पॉइंट्स जो है वो मार्केट के इरोड किए हैं, खत्म किए हैं मार्केट से। लेकिन बाकी जो थे मार्केट के अंदर पॉइंट्स एडिशन बता दिए गए, टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर ज्यादा एडिशन हुआ था, जैसे कि हमने देखा एवेंसियन भी चला, TRG भी चल गया, ठीक है। अगर टॉप परफॉर्मर की बात करें तो WTL भी, HMNL भी चल गया, बाइको के अंदर भी जो है वो रैली बनना स्टार्ट हुई, टैली भी अपनी जो है अपर ट्रेजेक्ट्री के ऊपर चल पड़ा, हैस्कोल के अंदर एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आया, हैस्कोल अपर कैप के ऊपर आ गया, जो जिसके ऊपर ये बातें चल रही थी कि हैस्कोल जो है वो डिफॉल्ट हो चुका है, कंपनी बर्बाद हो चुकी है, एवरीथिंग डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, बट आज हैस्कोल के अंदर जो है वो अपर कैप लग गया, तकरीबन 15.82% जो है स्टॉक अप है, 7.32 के लेवल पे वापस आ गया। अभी बीच में अगर बात करें तो इसकी एक न्यूज चल रही है, एक आर्टिकल वगैरह इसके ऊपर पब्लिश हुआ है, उस आर्टिकल के अंदर बेसिकली यही चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो है हैस्कोल जो है वो कंपनी सही है, कंपनी सेल्स बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो उसका थोड़ा पॉजिटिव साइड जो है वो दिखाया है उस आर्टिकल के अंदर। तो फॉर अस अगर हम हमारी बात करें तो वी बिलीव कि मतलब वो एक पेड कॉन्टेंट है जिसके अंदर जो है वो चीज को थोड़ा सा बेहतर पिक्चर के अंदर दिखाया जाए, जबकि जो डिफॉल्ट हुआ, जो कंपनी के हालात खराब हुए, उन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन नहीं हुई है उस आर्टिकल के अंदर, उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया। तो अकॉर्डिंग टू अस, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है कि मतलब वो चीज एक पेड कॉन्टेंट लग रही है कि पेड कॉन्टेंट हो सकते हैं, तो उस पर भी नजर की जा सकती है, लोग जो है वो काफी बुलिश होता है। और आज जो इन्फ्लेशन के नंबर आए, थोड़ा सा इन्फ्लेशन पे बात कर लें, इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो इन्फ्लेशन का जो जनरल सेंस है वो ये है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है या कम हो रही है, तो महंगाई का एक इंडेक्स बना हुआ है, उस इंडेक्स के थ्रू हम इस चीज को गेज करते हैं कि महंगाई बढ़ी है या कम हुई है कंपेयर टू प्रीसीडिंग ईयर, जो पिछले साल के मुकाबले में। तो अभी जो नंबर आए हैं CPI इन्फ्लेशन जो जनरल लेवल पे
मार्केट में काउंट किया जाता है वो इंक्रीज हुआ है तकरीबन 8.4 से, लेकिन अपेरेंटली अगर इसको कंपेयर किया जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मींस के पिछले साल से कंपेयर किया जाए, तो वो जो आया था वो 9.3 पे था पिछले साल का, जो जुलाई 2020 का था, और अभी 8.4 के ऊपर आया। और अगर पिछले मंथ से देखा जाए तो उस मंथ के अंदर जो है 9.7 पे था सीपीआई इंडेक्स, बट अब जो है वो 8.4 पे आ गया है। तो इसके अंदर जो है बाकायदा कमी देखी गई है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक चीज बिल्डअप हो चुकी है कि जो एक सिनेरियो बन रहा था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो नेगेटिव जोन के अंदर है, बिकॉज इन्फ्लेशन 9.7 पे था और आपका जो नॉमिनल रेट है मॉनेटरी पॉलिसी वो 7% पे था। तो इस वजह से नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट बन रहा था, उस चीज को खत्म करने के लिए, क्योंकि ज्यादा टाइम तक वो चीज को आगे जो है वो नहीं ले जाया जा सकता है, तो इंटरेस्ट रेट को हाइक करना पड़ेगा। बट अब ये चीज चांसेस थोड़े कम हो गए, तो ये भी एक मार्केट के अंदर एक ट्रिगर बन गया कि मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी देखी गई। अब अगर इसको थोड़ा सा ड्रिल डाउन करें तो हम ये देख सकते हैं कि मेजर जो चेंज आया वो आया कहाँ पे है। तो जो ये इतना बड़ा जो सिग्निफिकेंट जंप नजर आ रहा है हमें कि मतलब इन्फ्लेशन जो है वो कम हो चुका है, तो इन्फ्लेशन के कम होने की मेजर रीजन जो है वो पेरिशेबल फूड आइटम है, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपेयर टू प्रीसीडिंग ईयर जो है वो डिक्लाइन आया, बट मंथ ऑन मंथ के अंदर जो है उसके अंदर जो है वो पॉजिटिव चेंज ही आया। तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज वन टाइम इवेंट, क्योंकि अभी ईद गुजरी है, ईद के बाद जो पेरिशेबल आइटम्स है उनकी डिमांड जो है वो डिक्लाइन हुई होगी, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो कट डाउन हो गई। तो ये एक पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है इन्फ्लेशन का, जिसके अंदर ये चीज हमें देखने को नजर आई है। बट विल सी कि ये सस्टेनेबल होता है, इफ इफ दिस इज सस्टेनेबल देन दिस विल बी अ पॉजिटिव, दिस विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एज वेल एज द इक्विटी मार्केट। अगर ये चीज नहीं होती है तो डेफिनेटली ये वन ऑफ इवेंट होगा, उसके बाद प्राइसेस जैसे ही शूट करेंगी तो दोबारा से अपवर्ड जो है रिवीजन हो सकता है ये सीपीआई के नंबर्स के अंदर। जैसे हमें पता है कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो बढ़ चुकी हैं, तो डेफिनेटली पेट्रोल का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो कि आपके तमाम की तमाम आइटम्स के ऊपर काफी बैड इम्पैक्ट जो है वो रखता है। खैर, बैक टू दी टेक्निकल लेवल्स, के टेक्निकल लेवल्स जो है वो क्या कहते हैं मार्केट के अंदर, तो इनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि हम देखें कि डेली बेसिस के ऊपर जो इंडेक्स की परफॉर्मेंस है वो इंडेक्स ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, जो कि बाकायदा हमारी प्रीसीडिंग वीडियो के अंदर भी मेंशन किया गया था कि ये एक सपोर्टिंग एरिया मार्केट का बन सकता है, जहाँ पे मार्केट जो है वो लास्ट टाइम यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली थी और यहाँ पे आगे मार्केट ने सपोर्ट ली, एंड देन दोबारा मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट किया और मार्केट ने वापस से ऊपर की तरफ सपोर्ट ली। तो ये पॉसिबल सिनेरियो थे जिनको डिस्कस किया गया था हमारी कल की वीडियो के अंदर, तो वही चीज को हम आगे कैरी करते हैं। और यहाँ पे अगर डेली बेसिस पे एक शॉर्ट टर्म लेवल के ऊपर अगर रेजिस्टेंस देखी जाए तो इंडेक्स की रेजिस्टेंस यहाँ पे फॉल हो सकती है, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं रेड से ताकि हमें क्लियरली पता चले। दिस इज द एरिया 47,600 to 700 एरिया दैट वुड बी अ क्रिटिकल वन, बिकॉज अगर मार्केट को इस फेज में देखे जाए 19 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक, तो मार्केट जो है वो कंसिस्टेंटली इस लेवल से ऊपर पे नहीं जा पा रही थी। तो ये एक टेक्निकल ग्राउंड पे काफी सेलिंग पॉइंट है कि बेयर्स जो हैं वो यहाँ पे आके कंट्रोल लेते हैं मार्केट का और मार्केट में माल डंप करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ से वापस से सपोर्ट मिल रही थी और मार्केट एक शॉर्ट अपसाइड दिखा सकती है। ये जो शॉर्ट अपसाइड थी ये इंट्राडे के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, कि जो बात हम कर रहे थे कि लास्ट टाइम भी उस वीडियो को रेफर करूंगा मैं, कि ये जो एक गैप ओपन था इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट को एक शॉर्ट अपसाइड जो है वो दिखानी थी, जो कि गैप जो है मार्केट ऑलरेडी फिल कर चुकी है। तो अब यहाँ पे ये चीज देखनी है कल मार्केट के अंदर कि मार्केट जो है वो इस हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल पाती है, जो मार्केट ने अपना हाई बनाया था 47,508, अगर यहाँ से निकल पाती है तो तकरीबन आप समझ लें कि 150-200 पॉइंट का एडिशन फर्दर हो सकता है मार्केट के अंदर, और अगर हम एग्जैक्टली ही देख लें यहाँ से तो तकरीबन कितने पॉइंट्स ऊपर गेन हो सकते हैं हमारे 170 और 180 पॉइंट्स गेन हो सकते हैं, बट मार्केट की क्लोजिंग जो है वो एटलीस्ट इंट्राडे में 47,700 से ऊपर पे आनी ही चाहिए। अगर यहाँ से ऊपर पे आती है क्लोजिंग तो फिर मार्केट के लिए बेनिफिशियल होगा, मार्केट अपने जो अपवर्ड लेवल्स हैं उनको सस्टेन कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, और बुल्स जो है वो मार्केट में डोमिनेट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है
दोबारा से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और मार्केट जो है वापस से अपने डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर आ जाएगी। इसी चीज को जो है वो डेली चार्ट पे वापस से चलते हैं, कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स का सहारा लेते हैं जो कि एक रिनाउंड इंडिकेटर्स हैं और इजी टू अंडरस्टैंडिंग है। इनकी बात की जाए तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये पॉजिटिव शो कर रहे हैं कि पॉजिटिव हो सकते हैं, बट अगेन यहाँ पे RSI जो है RSI की बेस पे भी आपको एक रेजिस्टेंस मिल सकती है ये इस एरिया पे कि RSI यहाँ पे आके स्टक हो सकता है 50 के लेवल पे। और अगर हम इसको वीकली बेसिस पे भी ले जाएं और वीकली बेसिस पे भी देखें तो वीकली बेसिस पे भी मार्केट की जो एक रेजिस्टेंस है वो इसी लेवल के आसपास जो है वो बनती हुई हमें नजर आ रही है कि ये वाला एरिया ही है जहाँ पे मार्केट यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट भी कर रही है और मार्केट जो है इस लेवल को होल्ड भी करके रखी है। तो दोनों सिनेरियो के अंदर आपने अपना जो स्टॉप लॉस सेट करना है वो तकरीबन 46,900 से नीचे की क्लोजिंग के ऊपर सेट करना है स्टॉप लॉस अपना। अगर वीकली बेसिस पे इसकी क्लोजिंग इतने से नीचे आती है तो मार्केट के अंदर डाउन साइड देखा जा सकता है, और अगर नहीं आती तो इट्स परफेक्टली फाइन, आप अपनी पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं, बट यस के विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। दैट वुड बी अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एवरीवन टू यूज द स्टॉप लॉस। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लाई जा सकें, और आपके जो भी कंसर्न्स हो, आपके जो भी क्वेश्चंस हो, आप वो कमेंट के थ्रू बता सकें ताकि हम उनको भी आंसर कर सकें अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।